दोस्तों यदि आप भी भारतीय टीम को विश्व विजेता बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों उर्वशी रौतेला ने फिर मचा दिया सोशल मीडिया पर बवाल। मिस यूनिवर्स ने अपने एक इंटरव्यू में ऋषभ पंत से शादी को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। ऐसा क्या कहा उर्वशी ने जो ऋषभ पंत के चाहने वालों के दिल की धड़कने रोक सकता है, वो तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ उर्वशी के इंटरव्यू का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन में कौन है बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों क्रिकेट जगत में यदि किसी एक्ट्रेस ने सबसे अधिक लाइमलाइट लूटी है तो वो मिस यूनिवर्स उर्वशी रौतेला हैं। भारतीय टीम के युवा सितारे ऋषभ पंत से चल रहा उनका विवाद आए दिनों सोशल मीडिया की हेडलाइन पर बना रहता है। यहां तक कि लोग उर्वशी रौतेला को उनके फिल्मों से अधिक ऋषभ पंत के नाम से याद करते हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत 2022 T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, जिसके कुछ समय बाद ही खबरें आईं उर्वशी रौतेला भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम के जरिए दी है और उन्होंने एक प्यार भरा कैप्शन अपनी फोटो पर लिखा है। जी हाँ, और इसे देखकर तो मानो लोगों ने उर्वशी रौतेला को इंटरनेट पर जमकर ताने मारना शुरू कर दिए। ऐसा माना जा रहा है कि उर्वशी ऋषभ पंत को सपोर्ट करने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया गई हुई है और इन्हीं सबके बीच में उर्वशी रौतेला ने भी ऋषभ पंत से अपने रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए अपना बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़ा है जहां लोग अपने काम के लिए भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऋषभ पंत जहां है मैं भी वहां जाऊं। लगातार इंटरनेट पर मुझे पंत के नाम पे निशाना बनाया जा रहा है। पहले ईरान में भी मेरे साथ ऐसी हरकतें हुई थी और अब ऑस्ट्रेलिया जाने पर भी लोग मुझे ताने मार रहे हैं। मैं एक्ट्रेस हूं और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, और रही बात मेरे और पंत के रिश्ते की तो समय आने पर सभी को सच्चाई का पता चल जाएगा। हो सकता है कि हमने कभी एक दूसरे को डेट किया हो लेकिन उसके बाद सभी रिश्ते खत्म होते हैं और लोगों को पुरानी बातें भूलनी चाहिए। ऋषभ पंत एक क्रिकेटर है और मैं उनकी फैन हूँ। हमारे बीच इससे बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से किसे मिलना चाहिए वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में मौका? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।